चतरा में मूसलाधार बारिश के बाद नदी उफान पर है। अचानक नदी में जलस्तर बढ़ने से 8 चरवाहे और करीब 2 दर्जन मवेशी फंस गए। मजदूर और मवेशियों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें हंटरगंज थाना इलाके के डुमरी गांव के लीलाजन नदी की है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बीचों बीच नदी की धार में फंसे चरवाहों और मवेशियों को बचाने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। नदी के दोनों तरफ ग्रामीणों की भीड़ उमड़ रही है। चालीस आदमी का टीम है, अभी यहाँ पे 20 आदमी का टीम आया है जी। हम लोग को मालूम हुआ कि यहाँ पे आदमी डूबा हुआ है, खतरा पहुँचा हुआ जी, जिंदा है जी। हम लोग को मालूम हुआ तो हम लोग आपके पास पहुँचे हैं। अभी उसके बाद फिर स्थानीय स्तर पर चोरी के कुछ मल्लाह लोगों को बुलाया गया है और चौपारण से भी कुछ एक्सपर्ट आए हैं जो तैराक हैं, मदद दी जा रही है। लातेहार में नदी की तेज धार में एक सवारी गाड़ी बह गई। गाड़ी में 12 लोग सवार थे। हादसा मनिका के मतनाग गांव के मैला नदी में हुई है, जहां पर तरहसी से मनिका आ रही एक सवारी गाड़ी नदी में बह गई। नदी का पानी 200 फीट लंबे पुल के ऊपर से बह रहा है। सवारियों ने ड्राइवर को पुल पार करने से मना किया, लेकिन वो नहीं माना। पुल पर आगे बढ़ते ही गाड़ी तेज बहाव की चपेट में आकर बहने लगी। ड्राइवर गाड़ी से नीचे कूद गया, जबकि बाकी लोग गाड़ी में फंस गए और शोर मचाने लगे। मौके पर जुटे ग्रामीणों ने गाड़ी में फंसे हुए सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह हादसा वहां पर हुआ। हालांकि गनीमत यह रही कि सभी मुसाफिरों को वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया। तो गाड़ी में 12 लोग थे। पुल के ऊपर से नदी का पानी बह रहा था। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं पुल पार करते हुए तेज बहाव की चपेट में किस तरीके से गाड़ी आ गई। इन तस्वीरों को देख सकते